करनाल के हसन में हैफेड चीनी मिल के 13वें पिराई सत्र का आज शनिवार को शुभारंभ हो गया है। हरियाणा के सहकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति दी और क्रेन का बटन दबाकर विधिवत रूप से पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अपने संबोधन में गन्ना मिल के 13वें पिराई सीजन की शुभकामना देते हुए कहा कि किसानों के एक एक गन्ने की पिराई होगी, किसी का गन्ना बकाया नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने मिल के अधिकारियों कर्मचारियों को आगाह किया कि मिल में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही मिल को रुकने दिया जाएगा। इसलिए सभी अपना अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करें। सरकार के साथ साथ मिल किसान और कर्मचारियों की संपत्ति है, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सभी की है। उन्होंने कहा कि हैफेड गन्ना मिल क्षेत्र के बॉन्डेड गन्ने को खरीदेगी व जब तक गन्ने की उपलब्धता होगी तब तक हैफेड चीनी मिल को चलाया जाएगा। मंत्री ने मिल के कर्मचारियों व अधिकारियों को ये भी कहा कि पिराई सत्र 2020 से 21 में चीनी की औसत 10.50% की रिकवरी मिल द्वारा अवश्य प्राप्त की जाए। मंत्री ने सरकार द्वारा दी जा रही किसानों को विभिन्न सुविधाओं की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हरियाणा के किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो, इसके लिए भी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। कार्यक्रम में हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चीनी मिल असन द्वारा किसानों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न सुविधाओं के रूप में जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण पर गन्ना बीज, उर्वरक व कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि असन चीनी मिल के अंतर्गत क्षेत्र में गन्ने की बिजाई का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हैफेड वर्ष 2021 से 22 के लिए आकर्षक गन्ना विकास योजना तैयार कर रही है। हैफेड द्वारा किसानों को गन्ने की कीमत का भुगतान अतिशीघ्र सीधे किसान के खाते में जमा करवाने व किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाकर एक मिसाल स्थापित की है। उन्होंने सहकारिता मंत्री से अनुरोध किया कि मिल की क्षमता बढ़ाने के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि अगले वर्ष बढ़ी हुई क्षमता के साथ मिल को चलाया जा सके। इस अवसर पर असन के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि इस मिल की स्थापना से गन्ना क्षेत्र को बढ़ावा मिला है और किसानों ने अपना रुझान कृषि विविधीकरण की ओर किया है। उन्होंने गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ की बधाई दी और मंत्री के संज्ञान में लाया कि पहले मिल में कार्य संतोषजनक नहीं होता था, लेकिन जब से आप विभाग के मंत्री बने हैं इस मिल में काफी सुधार हुआ है। छोटी छोटी जो समस्याएं शेष हैं उनका भी समाधान किया जाए, इसके लिए वे विधानसभा सत्र में विशेष तौर से उनका धन्यवाद करेंगे। महाप्रबंधक हैफेड चीनी मिल असन ने बताया कि हैफेड चीनी मिल में वर्ष 2008 से 9 में केवल 1.1 लाख क्विंटल गन्ना उपलब्ध था, जो किसान भाइयों के सहयोग से मिल ने पिछले वर्ष 35.68 लाख क्विंटल गन्ना पिराई करके 3.57 लाख क्विंटल चीनी बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है तथा किसानों को लगभग 121 करोड़ गन्ने का भुगतान समय पर किया। उन्होंने बताया कि शुगर मिल द्वारा किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिनमें चीनी मिल में गन्ना इकाई में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नई तकनीक अपनाई गई है, जिसके तहत तोल कांटों पर स्वचालित कांटे लगाए गए हैं व ट्रॉलियों व ट्रैक्टर के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भी कैमरे लगाए गए हैं। गन्ना किसानों की सुविधा के लिए उन्हें एडवांस गन्ना आपूर्ति कैलेंडर दिए जाएंगे। किसानों को मोबाइल संदेश द्वारा उनकी गन्ना सर्वे, गन्ना पेमेंट व गन्ना पर्ची का ब्यौरा भेजा जाता है। उनके गन्ने की कैलेंडरिंग हैफेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कुशलता को बढ़ाने के लिए किसान विश्राम गृह भी खोला हुआ है, जिसमें LCD RO की सुविधाएं दी गई हैं। मिल की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि भूमि की उपजाऊ शक्ति व गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को 50% अनुदान पर मैली उपलब्ध करवाई जा रही है। किसानों की मांग पर हांसी बुटाना नहर की पटरी पर शुगर मिल से सालवन तक रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे किसानों को मिल तक अपना गन्ना लाने में काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने किसानों से पूर्ण सहयोग की कामना की तथा ताजा व साफ गन्ना बिना गोलापत्ती के अपनी पर्ची तिथि के अनुसार मिल में लाने के लिए अनुरोध किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी हैफेड चीनी मिल के पिराई सीजन के शुभारंभ अवसर पर सबसे पहले मिल में गन्ने की ट्रॉली लेकर आने वाले प्रथम व द्वितीय किसान
सर्वाधिक गन्ना एरिया की बिजाई करने वाले तथा सर्वाधिक गन्ने की सप्लाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इनमें फफड़ाना गांव के दलबीर सिंह पुत्र द्वारा, कुड़लन के अजय पुत्र रमेश, मुआना के हेमराज पुत्र बनी सिंह तथा गांव आदियाना के धर्मवीर पुत्र लहरी के नाम पर शामिल हैं। इस मौके पर कैलाश भगत, विधायक शमशेर सिंह गोगी, बख्शी सिंह विर्क, योगेंद्र राणा, कृष्ण भुक्कल, साहिल गुप्ता, राजेश आर्य आदि मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जिला प्रधान तो जिला प्रधान है, डॉक्टर साहब ये बताएं, मिल की कैपेसिटी की जो बढ़ाने की मांग क्षेत्र के मांग की, पिछले साल भी मांग थी, उसमें पिछले साल भी मांग रही, सर मिल की कैपेसिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? हरियाणा सरकार, हमने पिछली बार भी कहा था कैपेसिटी के लिए, लेकिन इस मिल को हम नए सिरे से और कुछ और इसमें आइटम जोड़ने के चक्कर में वो इसका दोबारा से हमने तो जनता के इसका कोई न कोई समाधान जरूर निकाल देंगे। सर पिराई सत्र का जब उद्घाटन आप करने आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसी वक्त सर ये बातें आप जाती हैं, उससे पहले सर तैयारी क्यों नहीं होती? किसान की मांग है, पुरानी मांग है सर, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, सारी बिल्डिंग खत्म है सर, जर्जर अवस्था में है, तभी तो कह रहे हैं क्यों आती है? तभी तो कह रहा हूँ भाई, उसमें हमने चेंज किया है कि पूरी मिल को दोबारा से बनाया जाए, नए सिरे से बनाया जाए, पुराना जो आइटम हमारा ठीक है उसको रख के और एकदम नई मतलब ये मिल बनाई जाए, ताकि जो कंडम सामान है और जो रिकवरी रेट भी इसीलिए कम होता है कि हम पुरानी मिल है, तो हम नए सिरे से नई मिल बनाने। सर गन्ना पैदा किसान पहले मरा पड़ा है, जीरी के सीजन में भी उसका नुकसान है, अब गन्ना जो उत्पादक किसान है सर, उसकी अभी भी खर्च कुछ रेट बढ़ाया जाए, हरियाणा सरकार रेट बढ़ाए 400 रुपए तो कम से कम करे सर, लागत पूरा। ये क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कैन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला होता है। हाँ सर, और वो शायद आज या कल में वो मीटिंग होने, 8 तारीख को मीटिंग है। हाँ सर, तो उस मीटिंग में मुझे पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ किसानों का रेट बढ़ेगा, और हरियाणा सरकार रेट में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेट हरियाणा सरकार दे रही है गन्ने का, और आगे जब कैन कंट्रोल बोर्ड करेगा उसके बाद हरियाणा सरकार क्या और बढ़वा सकते। कुछ बोनस मंत्री के रूप में कुछ बोनस की सिफारिश करेंगे सर, बोनस मिल सकता है इनको जो रेट नहीं बढ़ता तो? नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि उनका रेट बढ़ने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनका जो रेट आता है उसके बाद एक सर जो 240 को मतलब कुछ ना कुछ जरूर फायदा करवाएंगे सर। एक किसान के खेत में एक एकड़ में मान लीजिए 400 क्विंटल होता है, 450 होता है, 240 की बाउंडिंग है सर, वो बाकी की गन्ना कहाँ लेके जाएगा सर? ये बड़ी समस्या है किसान के साथ। ये जिला प्रधान भी किसान है, हमारी कैपेसिटी है मिल की, उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन की है। जो डॉक्टर साहब आप बताओ, चलो एक मिनट प्लीज प्लीज मंत्री जी को सुनाओ, चुप हो जा, तो मैं कह नहीं सकता भैया, छोटे कोई बात नहीं, उनकी मांग जाए जाए, प्रधान जी प्रधान जी पहले वो मीडिया पूछ रही है, उनको तो पूछ लेने दो, कर लेना मना थोड़ी कर, हमारा तक तो हमें जाना है, 3 साल पहले बोल लेता बख्शीश जी ने भी प्रयास किया होगा, विधायक जी हैं, शमशेर गोगी जी, ईमानदार विधायक हैं, ये भी प्रयास करेंगे। हाँ, बोले तो बोलना, बोल लेना मंत्री जी की, सुनो मंत्री जी, मंत्री जी भाग थोड़ी रहे प्रेस, नहीं बाज नहीं रहे अंकल जी, हम कोई गलत नहीं, ओ भाई जी नहीं कहा, चुप चुप, हम बोल लेंगे नहीं, तुम्हारी कौन सुनेगा जी, हमारे यहाँ मंत्री जी आए जमींदार ने भी कहा शिष्टाचार, 250 का बोंड हो रहा जी, बाकी बात का ऊपर भी जवाब दिया और फिर भी दे के जाएंगे आपकी बात को।
चार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मेरा भाई, आप लोगों के बीच में रहे ना। तो ये जो अभी जो किसानों ने चिंता जताई कि इनका 250 की बॉन्डिंग है और हमारा गन्ना कहाँ जाएगा, तो इसके लिए क्या है कि जो हमारी एक तो कैपेसिटी बढ़ाएंगे और कैपेसिटी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने अभी कहा था कि आपका गन्ना एक एक गन्ना की पिराई होगी, इसीलिए हमने मिल को पहले शुरू किया है, ठीक है सर। लंबे समय तक चलेगी, तो किसान का गन्ना सारा लेंगे, इस चीज की चिंता मत करो। लेकिन एक 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 है जी, घंटे में पेमेंट आई थी पहले और अब पेमेंट अब तक आई है जो बाकी रही थी उसका भी सुधार। वो तो एलईडी सारे अब तो आई, आज दिलवाऊंगा। दिवाली से पहले पहले कह दिया सिंह साहब ने, दिवाली से पहले। तो आप लोगों की जो भी समस्या है उनका सुधार करेंगे और जो पीछे डिले का कारण होते हैं वो डिले हुआ मानता हूं, लेकिन अब हम इसको जल्दी से सिरे चढ़ाएंगे। दो बड़ी मांग है जी, एक तो सर आश्वासन है, प्रैक्टिकल में कुछ होगा प्रैक्टिकल में आश्वासन। एक मिनट सर, ठीक है आप लोग कह रहे हैं गन्ना लेंगे, हमारी 250 की बॉन्डिंग की है, 250 क्विंटल की है, तो अपनी बॉन्डिंग 250 क्विंटल कहाँ जाएगा सर, प्लीज ये बताओ हमें, और 250 कैसे लेंगे मिल आपको गन्ना फिरवाएंगे सर, फिर कैसे पूरा होगा, अभी हमारी 250 तो ले लेगा और 250 कहाँ जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.